हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको एक कमाल की ट्रिक बताएंगे कि दो एपी, कोई दो डिफरेंट एपी आपको दी हैं, उन दोनों एपी में नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। तमाम सारे क्वेश्चन बनते हैं कि दो एपी में नंबर ऑफ कॉमन आइडेंटिकल टर्म बताओ, या लास्ट कॉमन टर्म बताओ, या फिफ्थ कॉमन टर्म बताओ। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आज की वीडियो में हम आपको देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हेडिंग आपके सामने पड़ी है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स, किस तरीके से हम नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स निकालते हैं, इसको जरा समझिएगा। देखो बेटा, दो डिफरेंट कोई एपी है, दो और तीन पाँच, तीन आठ, तीन ग्यारह, तीन चौदह, तीन सत्रह, तीन बीस और तीन तेईस। इस तरीके से कोई एक एपी ए है और एक दूसरी एपी हम बना लेते हैं, और दूसरी इस तरीके से बना रहे हैं कि आपको समझ में आएगा पूरा। दो और पाँच सात, पाँच बारह, पाँच सत्रह। तो इन दोनों एपी में देखोगे तो कितने कॉमन टर्म हैं आपको बताना है। अभी अगर पूछा जाएगा, क्योंकि एंड नहीं है किसी का, तो आप कहोगे इनफाइनाइट टर्म्स हैं। यानी दो एपी के नंबर ऑफ कॉमन टर्म अगर हमसे कभी भी पूछे जाते हैं, अगर दोनों का अंत नहीं हो रहा, कहीं पर रुक नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे, कॉमन टर्म। लेकिन अगर इन दोनों में कोई एक रुक रहा है या दोनों रुक रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। एक का भी एंड हो रहा है तो नंबर ऑफ, अब जैसे देखो यहाँ पर ये है, मान लीजिए यहाँ पर ये रुक जाए और ये आगे बढ़ता जाए, तो भाई हमारा फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म ये, जरूरी नहीं कि पहला पहला टर्म ही होगा, ऐसा टर्म जो पहले वाले एपी में है दूसरे वाले एपी में भी हो, उसी को हम नाम देते हैं कॉमन टर्म या आइडेंटिकल टर्म। तो बताइए, और दूसरा बताओ कहां पर है। उसके बाद 17, तो ये 17 हो गया। तो अगर ये चलती चली जा रही है, अब बताओ इसके बाद ये चलती चली जा रही है तो ये कितना होगा, 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 और 5, अब ये 23 से ऊपर, ये तो रुक गया यहां पर। तो बताओ इसमें जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म होंगे, केवल दो ही होंगे, दो ही कॉमन टर्म होंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये एपी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या फायदा, इससे बड़े टर्म इसमें होंगे ही नहीं। ये 23 पे रुक गई, यानी 23 से छोटा ही कॉमन हो सकता है। तो इसका यहां पर जो आंसर होगा, नंबर ऑफ कॉमन टर्म ये आपके दो होंगे। लेकिन बेटा, कभी कभी क्या होता है, ये एपी डॉट डॉट कहीं तक जा रही है, दूसरी एपी भी कहीं तक जा रही है, ऐसे केस में हम कौन सी वो ट्रिक है जिसके द्वारा हम तुरंत कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ कितने आइडेंटिकल हैं, कितने कॉमन टर्म हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन, अगर इस दोनों एपी को देखोगे तो इन दोनों एपी को आपको समझना है। केवल हम यहाँ पर ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रिक जो है आपको ये बताएगी कि हमारे कितने दोनों एपी में कॉमन टर्म्स हैं। तो कैसे करना है जरा समझिए। जब भी दो एपी में नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म, समझ में आ रहा ना क्या किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम क्या करो, अगर दोनों एपी में नंबर ऑफ कॉमन टर्म देखना चाहे, फर्स्ट कॉमन टर्म पता करो। यानी पहले एपी को लिख दिया 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट, लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए हम अलग से लिख रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो आप ये देखा करो फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म क्या है, बस उसको लिखा करो फर्स्ट आइडेंटिकल। ये पहला नंबर हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस देखा करो कितना है, इस वाले एपी का 3 है और इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस देखा करो कितना है, 2 है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो तो वो 6 होगा। तो जो पहले नंबर पे लिखा है, ध्यान रखना है दूसरे नंबर पे लिखा है। इसके बाद यहां पे तुरंत आपका नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स को कैलकुलेट करने का क्या फंडा है, इसको हमेशा याद रखना है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कितने आइडेंटिकल टर्म्स होंगे, इनके लास्ट टर्म, अगर देखो इसका एंड नहीं हो रहा, जैसे मान लो डॉट डॉट चलता चला जा रहा, डॉट डॉट चलता चला जा रहा, तो आपको इसी पर ध्यान देना होगा। मतलब ध्यान का मतलब है, इन दोनों में देखा करो लास्ट टर्म किसका कम है सबसे, ये इन दोनों में कौन छोटा है, उस पर फोकस करना। ये छोटा है तो इसको छोड़ दो, इस पर ध्यान देना। नंबर ऑफ दो एपी में कॉमन टर्म जानना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको देखोगे ये कितना है, 103। इन दोनों में ये छोटा है। सर अगर मान लो ये एंड ना हो रहा है, ये
तो जिसका एंड नहीं हो रहा वो लेना है फिर 179, तब तो इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा तो यही लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों का एंड हो रहा है तो इन दोनों में जो छोटा है स्मॉल है उसको लिया जाएगा। तो आप उस 103 में ये जो पहले लिखा है आपने, इसलिए पहले और दूसरे नंबर पे लिख लिया करो, पहले लिखा है इसको माइनस कर दिया करो। तो 103 में 5 माइनस करो कितना होगा, 103 में अगर आप 5 माइनस करोगे 98, और डिवाइडेड बाय कितना डिवाइड करना है, ये दूसरे नंबर वाले से डिवाइड करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या ये कह सकते हो, अगर थोड़ा सा एक और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो चलो वो बाद में बात करते हैं, पहले क्या करना है, इन दोनों में जो स्मॉल है उसमें से इस पहले वाले टर्म को माइनस करना है, डिवाइड करना है इससे, और इसका जो भागफल होगा, भागफल का मतलब आप भाग दो 98 में, तो ये कितना आ रहा है, 6 एकम 6 और ये 3 और 8, 6 जगह 36, तो ये जो अब नहीं जा पाएगा डिवाइड, अब पॉइंट में नहीं देना, तो ये जो भागफल है, जब भाग ना जा पाए तो जो क्या है भागफल है उसी में आप ये ऊपर जो लिखा होता है इसमें आप एक जोड़ दिया करो, इतने नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म होंगे, यानी 17 हमारे 9, यानी इस फ्रैक्शन का केवल आपको ये लेना है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं लिखना, भाग डिवाइड नहीं करना, पॉइंट में नहीं लिखना है, तो ये इसको छोड़ देना है, ये जो आ रहा है इसी में प्लस 1 कर देना, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म मिल जाए। अब हम आपको बता दें ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको समझो, केवल ट्रिक है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, केवल आपको कुछ बातें बताएंगे। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 3 ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं, 11 3 14 3 17 17 3 20 20 और 3 23, देखो ये हो गया, और ये दो दो जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17, जानते हो फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म क्या होगा, इन दोनों एपी का फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म 5 होगा, अगला आइडेंटिकल टर्म क्या होगा 11 होगा, ठीक है, तो और अगला आइडेंटिकल टर्म क्या होगा, इसके बाद वाला आइडेंटिकल टर्म 17 होगा, तो ये होगा। जानते हो बेटा अगर दोनों एपी के आइडेंटिकल टर्म से सीरीज बनाओगे तो बेटा वो सीरीज भी आपकी एपी होगी, और जानते हो बेटा इसको कहते हैं फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म। 2019 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जेडवान 2019 में, लेकिन वो 3 एपी पर जो है क्वेश्चन था, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो फंडा है ये हमारा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिनमें एपी पूछी जाती है उनके लिए हेल्पफुल होगा ट्रिक। तो याद रखना फर्स्ट टर्म आपका ए कहते हैं, और जो वास्तव में ये जो लिखते हैं ये क्या होगा, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस का एलसीएम है वो ये डी किसका होगा, कॉमन जो सीरीज बन रही है कॉमन टर्म से जो एपी बन रही है उसका कॉमन डिफरेंस होगा, वास्तव में ये उसका फर्स्ट टर्म होगा और ये उसी एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। तो इससे याद रहेगा आपको कि फर्स्ट कॉमन टर्म को माइनस करना है और डिवाइड करना उसके कॉमन डिफरेंस से, और जितनी ये वैल्यू डिवाइड भी नहीं हो रहा है परेशान हो, इसको जो ये इसको लेना है ये रिमाइंडर छोड़ दिया करो, इसमें आप हमेशा प्लस 1 कर दिया करो, इतने ही नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म होंगे। और बेटा याद रखना है इन दोनों में जो लास्ट टर्म जो दोनों का छोटा होगा, मान लीजिए कभी कभी ऐसा लिखा हो 2 जो है 2 मान लीजिए लिखा है 30 टर्म्स, ये लिखा है 30 पदों तक, और इसमें लिखा है 2 मान लीजिए लिखा है 2 50 टर्म्स या 240 टर्म्स, तो आपको ऐसे केस में क्या करना होगा, दोनों का लास्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे और लास्ट टर्म में जो वैल्यू स्मॉल होगी, जो वैल्यू स्मॉल होगी बेटा वो क्या करोगे, उसको लेना है और उसमें फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म को माइनस करना है, डिवाइड में कॉमन डिफरेंस, किसका कॉमन डिफरेंस, दोनों एपी का जो कॉमन टर्म की जो सीरीज बन रही जो एपी बन रही उसके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है, और इसका डिवाइड करना है इसमें, इसका डिवाइड करना है इसमें, और जो आएगा ये उसमें हमेशा ऑलवेज प्लस 1 कर दोगे, यही हमारा नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स होंगे। तो याद रखना है दोनों एपी में। अच्छा एक चीज और, ये आपको बात समझ में आ गई, चलिए एक चीज और बता दें, जैसे एक एग्जांपल है इसके बाद एक क्वेश्चन और देंगे। इस एग्जांपल में अगर मैंने आपसे कहा कि इस एपी का, ये जो एपी है इसमें दोनों में कितने कॉमन टर्म है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉमन टर्म पता करो, 7 हो गया, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3, दोनों का एलसीएम 6, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये दोनों के कॉमन टर्म की जो सीरीज बनी उसका एलसीएम इन दोनों का 6 होगा, तो कैसे आएगा, इन दोनों में स्मॉल कौन है, इन दोनों में स्मॉल कौन है 28, तो 28 में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 28 में 7 गया 21, और डिवाइड करो किससे, 6 से, और ये सॉल्व करो 21 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 6 3 18
और ये तीन, इसको रहने दो, अब नहीं जा पाएगा डिवाइड, तो इसमें हमेशा एक ऐड कर दोगे तो ये आपके चार, प्लस वन करना ना भूलना, इसमें हमेशा डिवाइड करना है। इसका क्या लेना आपको, ये वाली वैल्यू लेनी है, यानी जिसको कहते हैं भागफल, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कोशेंट कहा जाता है, तो उसको लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्लस वन कर देना है, फोर आ गया। अब आप देख भी सकते हो, ये एग्जाम्पल इसलिए किया थोड़ा फील कराने के लिए कि आप बच्चों को कि हमारी ट्रिक सही काम कर रही कि नहीं कर रही। सात सॉरी, इसमें कितना होगा, तीन और दो पाँच और दो सात, दो नौ, ज़्यादा बड़ा नहीं इसलिए लिख सकते हैं, ग्यारह, दो तेरह, दो पंद्रह, दो सत्रह, दो उन्नीस, दो इक्कीस, दो तेईस, दो पच्चीस, दो सत्ताईस, दो उनतीस, दो इकतीस, ये हो गया। और दूसरी एपी हो गई एक, चार, सात, दस, तेरह और सोलह, उन्नीस, बाईस, पच्चीस और अट्ठाईस, यहीं तक ही रुकेंगे। अब देखो, फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म सात, दूसरा आइडेंटिकल टर्म कितना होगा, 13 और उसके बाद 19 और उसके बाद 19 के बाद 25, उसके बाद मिल जाता, लेकिन ये रुक गया, ठीक है। तो इसलिए कितने कॉमन टर्म आ गए, चार। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ गए हैं। अब हम एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। देखो, दोनों के लास्ट टर्म नहीं लिखे हैं तो फिर इनफाइनाइट टर्म होंगे, इनफाइनाइट डॉट डॉट चल रहा है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कॉमन टर्म होंगे। लेकिन दोनों के लास्ट टर्म लिखे हैं तो जो स्मॉल है उसमें फर्स्ट टर्म माइनस करना है, डिवाइड में करना है, किस कॉमन डिफरेंस के, इसके इसके नहीं, जो कॉमन सीरीज है उसके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है। जो अगर उस पूरे उस फ्रैक्शन का आपको अगर पूरा डिवाइड नहीं हो पाता उस नंबर से, तो परेशान ना हो, उसका भागफल ले लो और प्लस उसमें हमेशा वन करना है। अब जैसे इसमें अगर मान लो एक का एंड है, एक का नहीं हो रहा, तो जिसका एंड हो रहा उसी को लो और उसी में फर्स्ट कॉमन टर्म को माइनस करो। जैसे इसमें क्या है, 500 टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है, तो इसका लास्ट जो टर्म होगा वो होगा ए प्लस 499 इंटू डी, ठीक है, और इसका जो लास्ट टर्म होगा ए प्लस 299 इंटू डी। मालूम नहीं किसका जो है ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ए की जगह दो रख दिया पहले वाले के लिए, और वो ध्यान रखो ए और डी का मतलब इसका फर्स्ट टर्म लोगे और इसी का डी लोगे, जब ये लिखा है तो इसका फर्स्ट टर्म लोगे, इसका डी लोगे, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, पाँच, तो ये होगा दो प्लस पाँच नंबर 45, पाँच नंबर 45 और चार 49 और पाँच को 20 और चार और ये 2497 हो गया, 2497 हो गया। और इधर देखो ए कितना है, 1 प्लस 299 इंटू डी कितना है, 7, तो 1 प्लस 7 नंबर 63, 7 नंबर 63 और 6, 63 और 6 होता है 69 और 7 दूनी 14, 14 और 6 20 और ये 20 94। अब हमें इन दोनों में देखना है कि स्मॉल कौन है। इसका लास्ट टर्म ये है 2497, लिख दो चाहो तो, इसका लास्ट टर्म 2497 हो गया, और इसका लास्ट टर्म जो है क्या होगा बेटा, 294। तो बस इसमें क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म देखो क्या होगा, इसमें क्या है, 2, 5, 17, 5 और ये 17, 5, 22, ये पहला फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म, तो ये हमारा ये होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कॉमन जो टर्म से जो सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस यानी 35। तो अब क्या होगा आंसर, 2094, सॉरी क्या करेंगे, इन दोनों में स्मॉल कौन है, ये है, तो स्मॉल में इस फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 2094 में 22 को माइनस करेंगे, 4 में 2 गया 2 और आपका 9 में 2 गया 7, 02072 और डिवाइड करोगे बेटा किससे, कॉमन डिफरेंस से, तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना होगा, यहां पर डिवाइड करो 2072 डिवाइडेड बाई 35, 35 का डिवाइड करोगे, लेकिन इसमें लास्ट कॉमन टर्म पूछ रहा है, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म नहीं पूछ रहा। लेकिन बेटा अगर 25 कॉमन टर्म आ रहे तो 25th ही हमारा लास्ट टर्म होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, यहां पर 5 बार दोगे, 5, 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
पंजे 25, 5 दिए 15, 15 और 2 17, और ये 7 में 5 गए 2, 10 में 7 गए 3, और 322। अब कितनी बार जाएगा, अब ये बताइए कितनी बार आप देख सकते हो कितनी बार जाएगा। 7 बार, 7 पंजे 35, 7 दिए 21, 21 और 3 24, अभी चला जाएगा। और 8, 9 बार, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 दिए 27, 27 और 4
31 ये हो गया, और 12 में 5 के 7 ये हो गया, अब नहीं जा पाएगा ना, 9 पंजे 45 और 9 तीस 27 और 4 31 तो अब नहीं जा पाएगा। तो ये आपका इसी में आपको प्लस वन कर देना है, यानी नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म या नंबर ऑफ कॉमन टर्म हमारे 60 होंगे, ठीक है। तो लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा बेटा, तो ये काम करेगा जी, जानते हो ये जो एपी का मतलब, इसके कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म, सेकंड कॉमन टर्म, थर्ड कॉमन टर्म, तो उसका मतलब उसका फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म को स्मॉल ए से दिखा रहे। डी वास्तव में क्या है, जो कॉमन टर्म के आप सीरीज बनाओगे वो भी एपी होगी, उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम होता है, याद रखो। अगर तीन एपी हैं तो तीनों का कॉमन डिफरेंस, तीनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम हमारी जो तीनों में जो कॉमन टर्म होगा उसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा, लास्ट कॉमन टर्म जो होगा 60th टर्म, ये होगा लास्ट कॉमन टर्म। तो ये लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट कॉमन टर्म, सी मतलब कॉमन टर्म, तो ए प्लस 59 इंटू डी। ए कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 22 प्लस 559 इंटू डी कितना है 35, तो यहाँ पे 22 प्लस 59 में 35 का मल्टीप्लाई नंबर 45, 5 पंजे 25, 2504, 29, 3 नंबर 27, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 5 916 और ये हो गया, ठीक है ना, 916, 9 7 9 10 और ये 2065, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये डी पार्ट होगा, सॉरी इसको ऐड नहीं किया, 22 को नहीं ऐड किया ना, 2065 में 22 को भी ऐड करेंगे, ठीक है। जब 2605 में 22 को ऐड करेंगे और ये 2087, तो जो कि ऑप्शन तब भी नन ऑफ दीज हो। तरीके से हमने चीज़ों को सीखा, दो एपी में कॉमन टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से आपने सीखा। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, हमने आपको पूरा समझाया है कि कैसे दो एपी के आइडेंटिकल टर्म को तुरंत ट्रिक द्वारा कैलकुलेट करते हैं, ये आपको समझना है। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे एक चीज़ और पूछी जाए, सिक्स्थ कॉमन टर्म तो निकाल लेना, ए प्लस 5d, ए ये रखना, डी ये रखना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।